नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन के कौन कौन से आपके टाइप्स रहते हैं। इंस्पेक्शन आपके पास, दोस्तों मैं पहले भी बात कर चुका हूं, पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें आपके पास इंस्पेक्शन के बारे में मैंने बताया था। इंस्पेक्शन बेसिकली किसी का क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन दी गई है, इट इज एन आर्ट ऑफ एग्जामिनिंग एंड असेसिंग समथिंग। किसी चीज को एग्जामिन करना, उसको चेक करना और उसको असेस करना कि विद इन ये आपके पास स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये आपके पास जो स्टैंडर्ड का पीस दिया उसके कंपैरिजन में ठीक है कि नहीं है, या स्टैंडर्ड जो आपके पास स्टैंडर्ड्स प्रीली जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये उसका बेसिक आर्ट आपके पास, या फिर दूसरे वर्ड्स में इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द क्वालिटी। क्वालिटी को मेजर करने का एक प्रोसेस है ऑफ ए प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आपने लिया उसकी क्वालिटी को मेजर करता है, और सर्विस इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑलरेडी आपने जो डिसाइड किए हुए हैं उन प्रीली स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पास वो है कि नहीं है उसकी क्वालिटी, तो दैट इज नोन एज द इंस्पेक्शन। अब जो टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन में आपके पास दोस्तों, सबसे पहला टाइप आपके पास होता है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन कौन सा इंस्पेक्शन होता है? प्रोसेस के दौरान, काम चलते हुए के दौरान, जो आपके पास इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर आएगा और प्रोसेस के दौरान ही उसको चेक करेगा, तो वो आपके पास होता है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। जैसा आपके पास फिगर में दिया हुआ है कि हमने कोई इनपुट दी, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इनपुट दी, बीच में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिली। अब यहां पर अगर प्रोसेस ही गलत कर रहा है और उस प्रोसेस गलत करने के दौरान हमने उसको इंस्पेक्ट कर लिया, चेक कर लिया, तो वो आपके पास क्या आउटपुट देगा? उससे पहले हमने उसको चेक कर लिया तो इसका मतलब हमने अपनी टोटल कॉस्ट बचा ली। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यही प्रोसेस करते हैं कि यहां पे वर्कर्स हैं, यहां पे एक लाइन बनी हुई है सीक्वेंस में, वो आपके पास यहां पे आपने इनपुट दी रॉ मटेरियल के रूप में, यहां पे पहला काम कर दिया, जैसे लेथ ने काम कर दिया, जैसे मिलिंग के वर्कर ने काम कर दिया, जैसे ड्रिलिंग के वर्कर ने, तो यहां पे मान लीजिए मिलिंग वाले के पास कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो इंस्पेक्शन हम लोग कंटिन्यूअसली आके बीच बीच में चेक करते रहेंगे, वहां पे एग्जामिन कर लिया कि ये सब चीजें ठीक है तो आउटपुट भी आपके पास वो ठीक मिलेगी, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आपके पास रह जाएगी अगर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम को हमने यही डिटेक्ट कर लिया, तो आपके पास कॉस्ट बच जाएगी, आपका प्रोडक्शन आपका फिर बाद में जब ठीक होगी तो स्मूथली चलता रहेगा, मटेरियल आपका वेस्टेज नहीं होगा। तो ये चीजें आपकी मेनली फोकस होती है प्रोसेस के दौरान इंस्पेक्शन करने पे। यही इसमें बताया गया है, द इंस्पेक्शन प्रोसीजर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स। जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस दौरान जब हमने इंस्पेक्शन का प्रोसीजर कर लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे इन प्रोसेस। द आइटम्स आर चेक्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ आइटम्स आपके पास इसमें हम लोग कंटिन्यूअसली चेक करते जाते हैं। एक हम लोग अपना एक मेथड अपना लेते हैं कि इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें वो चेक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेक करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेंट्रलाइज टाइप इंस्पेक्शन। सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन आपके पास बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हम लोग एक कॉमन रूम बना लेते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है कि एक लाइन आपके पास यहाँ पे, मान लो आपकी कोई कंपनी है मैन्युफैक्चर कर रही है, मास में प्रोडक्शन कर रही है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि लाइन बना रखी है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो हमने सेंटर में एक वहां पे क्वालिटी रूम कर दिया, क्वालिटी डिपार्टमेंट का आपके पास वो रूम है जिसमें आपके पास वहां पे कंटिन्यूअसली हम लोग प्रोडक्ट्स को जो फिनिश पार्ट है उनको भेजते हैं और जहां पे चेक होती है, तो एक कॉमन रूम हमने वहां पे बना लिया। वो जो कॉमन रूम बनाया उसमें आपका रॉ मटेरियल से फिनिश बन के पार्ट जाएगा और फिनिश पार्ट आपके पास जाके चेक होएगा। वहां पे आप लोग क्या करोगे, गेजिंग गेजेज लगाए रहते हो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगा के रखते हैं हम लोग और वहां पे चेक करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्वालिटी पे फोकस रखते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं कि दे आर विद इन एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हमने कर रखे हैं उसके पार्ट उसके साथ में है कि नहीं, या कोई पार्ट उसका कंपेरिजन में कर रहे हैं तो वो कंपेयर करके हम लोग उसको चेक करते हैं। यही दिखाया हुआ है, आइटम चेक एट कॉमन रूम, एक कॉमन रूम में चेक होते हैं, वेयर क्वालिटी टूल्स आर अरेंज्ड, जहां पे क्वालिटी के जो टूल्स हैं वो अरेंज रहते हैं। क्वालिटी के टूल्स आपके पास कौन से होते हैं दोस्तों? जिसमें आपके पास जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो आपके पास गेजेज हैं, वो सब लगे रहते हैं आपके पास। सेपरेट डिपार्टमेंट नीड्स सेपरेट पर्सन टू चेक आइटम्स, जो सेपरेटली आपके पास आपने डिपार्टमेंट वाइज की यहां पर ये चेक करेगा, यहां पे ये चेक करेगा, यहां पे ये चेक करेगा, यहां पे ये चेक करेगा, तो वो सब चेक करने के लिए आपने उसमें इंटरनली सेपरेट डिपार्टमेंट्स कह लीजिए, या स्मॉल आपके पास टीनी एक एक जो पर्टिकुलरली है, जैसे गेज पे काम कर रहा है कोई, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है, एक माइक्रोमीटर पे, एक वर्नियर कैलिपर पे, तो इस तरह का एक एग्जाम्पल है, तो उसपे जो वर्क कर रहा है तो वो आपके पास क्या करेगा, उसको चेक करेगा। नेक्स्ट है रीमेडियल इंस्पेक्शन, यानी रीमेडीज करते रहोगे तो वो क्योरिटी करते रहेंगे तो हम लोग वो बेटर रहेगा। जैसे कोई मशीन आपको लगता है कि कोई खराब ना हो जाए, जैसे प्रिवेंशन होती है, ऐसे ही आपके पास वो रीमेडियल है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप लोगों के पास कोई पार्ट खराब हो आप लोग उससे उसको उसके पहले बचाने की कोशिश करिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों आपके पास रीमेडियल टाइप इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन। फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन से मतलब क्या होता है आपके पास, कि पार्ट बना आपके पास
फर्स्ट लॉट बना लीजिए या फर्स्ट पीस हमने कोई बनाया, वैसे तो वो पायलट पीस होता है कि फर्स्ट पीस चेक कर रहे हैं, लेकिन यहां पे फर्स्ट स्टॉप से मतलब यही है कि आपके पास फर्स्ट पीस बनाया है, उसको हमने चेक कर लिया, इट विल बी विद इन स्टैंडर्ड और नॉट, या जो आपके पास स्टैंडर्ड का पीस है उसके कंपेरिजन में ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक है या वो लॉट ठीक है तो इसका मतलब वो आपके पास क्या है, वो चीज ठीक है। तो इनपुट दी हमने, हमने लगा रखी है जैसे लाइन लेआउट, लेथ मशीन लगा रखी है, मिलिंग लगा रखी है, ग्राइंडिंग लगा रखी है, ड्रिलिंग लगा रखी है, तो यहां से इनपुट दी तो आउटपुट आपके पास आई, उस पीस को हमने चेक कर लिया, या लॉट के अकॉर्डिंग हमने 10 पीस बनाए तो 10 पीस हमने चेक कर लिए, अगर वो ठीक है तो इसका मतलब वो फिर पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों सैंपलिंग इंस्पेक्शन। सैंपलिंग इंस्पेक्शन बेसिकली आपके पास क्या होता है, सबसे पहले तो सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स विदड्रॉ करते हैं आपके पास लॉट के अंदर से, तो वही यहां पे सैंपलिंग इंस्पेक्शन कि आपने लॉट रख लिए, जैसे आपके पास चार लॉट रखे हैं, चार लॉट का लॉट आपके पास क्या होता है जिसमें टोटलिटी ऑफ आइटम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे एक डब्बा है, एक डब्बे में आपके पास 100 नंबर ऑफ फिनिश पार्ट है, 100 नंबर ऑफ फिनिश पार्ट है, इसमें भी 100 नंबर ऑफ फिनिश पार्ट है, ऐसे ही सभी चारों में 100 है आपके पास, तो हमने कोई सैंपलिंग का मेथड अपनाया, तो सैंपलिंग का मेथड अपना के मान लो आपने यहां पे क्लस्टर सैंपलिंग कर दी, तो क्लस्टर सैंपलिंग से मतलब आपने गुच्छे में यहां पे वर्क पीस उठाने हैं, क्लस्टर से मीनिंग है गुच्छे में, कि आपने उस डब्बे में हाथ डाला और डब्बे में हाथ डाल के मान लीजिए आपके हाथ में पांच पीस आए, कोई नट मान लो आप नट चेक कर रहे थे, तो नट आपके पास पांच आपके हैंड में आए, पांच आपके हैंड में आए तो वो अकॉर्डिंग टू रेंडम पिक हुए, आपके पास आपको नहीं पता कि कौन सा पीस था कौन सा पीस नहीं था, जो मैन्युफैक्चर किस टाइम पे हुआ था, पहला हुआ था दूसरा हुआ था, आपने उठाया, हो सकता है आपके हाथ में 20वां आया, 5वां आया, 25वां आया या 100वां आया मान लीजिए, तो वो जो भी आपके हाथ में पीस आया वो आपने लिया अपने हाथ में और उसको उसको हमने इंस्पेक्ट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका पूरा का पूरा लॉट ठीक हो गया। तो इस तरह से हम सभी के ऊपर क्या करेंगे, वो सैंपलिंग का मेथड अप्लाई करेंगे और उसका इंस्पेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास ये सैंपलिंग इंस्पेक्शन होगा, इसमें लिखा भी हुआ है टू विदड्रॉ सैंपल्स फ्रॉम लॉट अकॉर्डिंग टू सैंपलिंग प्रोसेस। सैंपलिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें से लॉट में से सैंपल्स विदड्रॉ करते हैं एंड इंस्पेक्ट देम, और उनको हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। लास्ट इज द फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन आपके पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ लॉट रखे हुए, ये आपके पास लॉट है, एक लॉट है, दो लॉट है, तीन लॉट है और चार लॉट है, वही ऊपर वाला एग्जांपल, तो आपको फाइनली इंस्पेक्शन करना है। अब आपके पास वो रेडी है कि आपके पास आपको जस्ट बिफोर की डिस्पैचिंग के लिए यहां से भेजने हैं, तो उससे पहले फाइनली आपका जो सीनियर्स होते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं, एक उनमें से भी कोई रैंडम पिक कर लिया, मान लो चार लॉट थे, चार में से एक उठा लिया, चौथे वाला उठा लिया, तो रैंडम पिक हो गया, तो उसमें से भी आपके पास रैंडमली हमने पांच पीस निकाल लिए, तो रैंडमली पांच पीस निकाल लिए यानी सैंपलिंग का मेथड अप्लाई कर दिया, उसको हमने चेक कर लिया, चेक करने के बाद उस पर देखा, अगर वो सारे ठीक हैं तो इसका मतलब सभी क्वालिटीड है, सारे के सारे चारों के चारों लॉट आपके पास ठीक हैं, फिर उनको वहां से डिस्पैच कर दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों फाइनल इंस्पेक्शन। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने पढ़ा इंस्पेक्शन क्या है और इंस्पेक्शन के बेसिक टाइप्स आपके पास कौन कौन से होते हैं। थैंक यू दोस्तों।